हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी। तो जल्दी से हो जाइए कनेक्ट ताकि हम लोग अपने सेशन को कर सके स्टार्ट। और आज हम लोग का सीरीज हमारी 3 है 2 टेस्ट की सीरीज है। आज हम लोग थर्ड सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देंगे टेस्ट और करेक्ट आंसर आप ही लोग बताएंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको राइट आंसर दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एक्चुअल में राइट आंसर था या नहीं था। और आप अपने आप को खुद जज करेंगे कि आखिर इन सारे क्वेश्चंस में से आपने कितने सही दिए कितने गलत दिए, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। ओके, तो लास्ट में आप मुझे बताओगे कि 50 क्वेश्चन में आखिर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपने 50 क्वेश्चन में कितने नंबर क्या किए, गेन किए, ये आप मुझे बताओगे। तो एक बार क्या करो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। सारे जीएस के मिक्स क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स साइंस जो भी है सब इंक्लूडेड है। ओके, तो जल्दी से जुड़ जाइए और लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी टेस्ट दे सकें। ओके, जल्दी से बेटा, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है। और चैनल पे कनेक्ट हो जाओ, लेट्स क्रैक एसएससी, लेट्स क्रैक एसएससी, इस पर हो जाओ कनेक्ट। ओके, इस शेड्यूल को पूरा फॉलो करो क्योंकि इस शेड्यूल से आपको एसएससी के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं, कोर्स को कर लो परचेज, क्योंकि कोर्स को परचेज करने से आपको लाइव टेस्ट क्विज, लाइव टेस्ट क्विजेस, डेली लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, सारी चीजें आपको यहाँ पर पेड लेक्चर में प्रोवाइड होगी। कोर्स को परचेज करने के लिए आपको लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी ऑफर्स हैं सब आपको दिख जाएंगे। कोर्स को परचेज करने के लिए आपको ये सारे महीने के कोर्स दिखाए जाएंगे उसमें एसएससी के, तो भाई इसको देख लीजिएगा और उसके बाद कोड लगा दीजिएगा SANGEETA। इस कोड से आपको मिलेगा 10% का बिल्कुल ऑफ। तो बिना लेट किए पहले टेस्ट के पहले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। पल्क जलसंधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा किस देश को भारत से अलग किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आई होप सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, देन राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका, देखिए आपको डिटेल भी दी होगी, अगर किसी का गलत होता है तो प्लीज डिटेल देखते हुए चलिएगा। बताइए इनमें से कौन एक बौना ग्रह है, बौना ग्रह कौन सा है, इनमें से कौन एक बौना ग्रह है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको करेक्ट आंसर बताना है इनमें से कौन एक बौना ग्रह है। राइट आंसर क्या होगा बेटा, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, लाइक के संग संग वीडियो को शेयर भी कर देना। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार आप डिटेल जरूर देखिएगा, प्लीज जरूर डिटेल देखिएगा, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है डिटेल जरूर देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताना है राइट आंसर।
ओके, तो राइट आंसर है कोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में खरीफ की फसल की कटाई का मौसम क्या है? भारत में खरीफ की फसल की कटाई का मौसम क्या है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं, सितंबर टू अक्टूबर। अच्छा, आपको पता है खरीफ और रबी में थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना, तो आप ये देखो कि जो बुआई कटाई सितंबर अक्टूबर में करती है, जैसे कि धान बोया जाता है ना, क्या होता है, धान बोया जाता है, तोड़ा जाता है, जल्दी बताओ। हाँ जी भाई, समझो, जब दिवाली होती है तो नए धान की लाई चढ़ती है, और जब होली होती है तो बाली भूनी जाती है गेहूं की। दिमाग लगाओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अब पारिस्थितिक हॉटस्पॉट माना जाता है? ओके, देन राइट आंसर है वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रोटोकॉल बनाया गया था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप ही को देना है करेक्ट आंसर। जल्दी 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 जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय मेरिडियन एक क्या है? चुंबकीय मेरिडियन क्या है एक? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने के लिए जाना जाता है। दो आंसर, दो आंसर, दो, सभी का आंसर देख रहे हैं। ओके, देन राइट आंसर इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग से खिलता है, अलग से खिलता है। ग्लोबल वार्मिंग, सेलिनेशन या यूट्रोफिकेशन, बताओ भाई।
देन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए प्लीज जरूर डिटेल पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के पठार के लिए एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है। दक्कन के पठार के लिए एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है, जिसको भी नहीं आता वो एक बार जरूर डिटेल पढ़ना। तो राइट आंसर देख लेते हैं, सैंडलवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के निम्न सिद्धांत में से किस पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? ओके, देन राइट आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उथली क्यों दिखाई देती है? फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों दिखाई देगी भाई, पानी की टंकी उथली क्यों दिखाई देती है? तो राइट आंसर इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रेड और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? रेड और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? ओके, जल्दी जल्दी। ओके, देन राइट आंसर है येलो। राइट आंसर इज येलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों को आवश्यक मोड़ देने के लिए आंतरिक किनारे के ऊपर घुमावदार सड़कों के बाहरी किनारे को ऊपर उठाने की घटना को एक सुरक्षित मोड़ लेने के लिए डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? सभी लोग आंसर दीजिए भाई। ओके, तो राइट आंसर है बैंकिंग ऑफ रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग आमतौर पर डैश में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आमतौर पर डैश में किया जाता है। ओके, देन राइट आंसर है रियर व्यू मिरर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो लेंस होते हैं। स्वतंत्र रूप से निलंबित लकड़ी के फ्रेम पर एक कील को ठोक करना मुश्किल है, कौन सा कानून इस कथन का समर्थन करता है? बैंड बाजा सब बजने लगा है, इसको थोड़ा सा माइंड से डाइवर्ट कर लीजिएगा, ठीक है? बस आप लोग टेस्ट पर ध्यान दीजिएगा, नहीं
तो भी कुछ बच्चे पहले कमेंट यही करने लगेंगे, मैडम ढोल बजने लगा, मंजीरा बजने लगा, नथिंग मैटर, कोई मैटर नहीं करता आपके लिए सब चीजें, आपके लिए इस समय सिर्फ टेस्ट मैटर करता है। ओके, द राइट आंसर इज न्यूटन थर्ड लॉ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉचरीज जेंसन ने क्या आविष्कार किया था? जॉनसन जेस्टरीज ने क्या आविष्कार किया था? हाँ जी बच्चा लोग बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, देन राइट आंसर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले सच्चे रडार का आविष्कार किसने किया और इसके उपयोग का प्रदर्शन किया? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर बताना है। ओके, ओके, तो राइट आंसर इज ए एस टेलर एंड लियो सी योंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार, आप देख रहे हैं ना एनटीपीसी में कितने आविष्कार पूछे जा रहे हैं, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए जल्दी से। ओके, तो राइट आंसर इज जेम्स देवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियंत्रित करने वाले कानूनों को क्या कहा जाता है? ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले कानूनों को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले कानूनों को क्या कहा जाता है? ओके, देन राइट आंसर कैपलर्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डायबिटिक दवा के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? ओके, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं के अंदर डैश में होता है। प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं के अंदर डैश में होता है। ओके, तो राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कोशिका ऑर्गेनेल है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं।
देन राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ ही रहे होंगे, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? बच्चा बच्चा जानता है. ओके देन राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोविडा ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है. बोविडा ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है, बताइए जल्दी से. बोविडा ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है. ओके देन राइट आंसर शीप. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्न पौधों के किस विभाजन से संबंधित है? फर्न पौधों के किस विभाजन से संबंधित है? ओके देन राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था? एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर. एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी को राइट आंसर देना है. एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था? ओके देन राइट आंसर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन है. पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन कौन सा है, बताइए. ओके राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किडनी की एक संरचनात्मक और एक कार्यात्मक इकाई है? निम्नलिखित में से कौन किडनी की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? जल्दी से. ओके द राइट आंसर नेफ्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ओके देन राइट आंसर सेरिब्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चट्टान में अशोक के बोधगया की यात्रा की सूचना मिलती है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कितने भागों को चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित किया गया है? ओके, देन राइट आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कौन सा नया पद सृजित किया था? अशोक ने कौन सा नया पद सृजित किया था? ओके, देन राइट आंसर धर्म। अशोक की पत्नी कौन थी? अशोक की पत्नी कौन थी? यहाँ कुछ नहीं लिखा है, सुंदर, काली, गोरी, बढ़िया, अच्छी, चिट्टी, कौन थी? ओके, देन राइट आंसर सारी थी, इसलिए मैंने कहा ना काली गोरी पतली चिट्टी नहीं लिखा है। दीप वंश महावंश पाठ किस देश से संबंधित है? दीप वंश महावंश पाठ किस देश से संबंधित है? ओके, राइट आंसर श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस राजन युद्ध में कौन विजयी था? ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम क्या था? वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम क्या था? तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्राह्मण ग्रंथ में जुताई के अनुष्ठानों का वर्णन है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में जुताई के अनुष्ठानों का वर्णन है? ओके, तो राइट आंसर शतपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते इनमें से किस पाठ से लिया गया है? सत्यमेव जयते इनमें से किस पाठ से लिया गया है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताइए। ओके, देन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले चार आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले चार आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को उनके नाम के एक ग्रह से सम्मानित किया गया है?
निम्न भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को उनके नाम से एक ग्रह के नाम से सम्मानित किया गया है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर है पंडित जसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी धावक ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में 9.76 सेकंड में 100 मीटर पूरा करके स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने यौन उत्पीड़न के मामलों से जुड़ी प्रक्रियाओं के केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है? जल्दी बताओ। फटाफट बताओ भाई सभी लोग। ओके, राइट आंसर NHRC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस शहर ने की थी? ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस शहर ने की? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप ही सभी को आंसर देना है। ओके, राइट आंसर ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिसंबर 2019 का दिन किस प्रमुख भारतीय त्रासदी का 35वां वर्ष है था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में किस वैश्विक गठबंधन ने अपना 70वां वर्ष चिन्हित किया? 2019 में किस वैश्विक गठबंधन ने अपना 70वां वर्ष चिन्हित किया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2019 बैलोन दी और का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे 2019 बैलोन दी और का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अर्ली इंडियंस, हमारे पूर्वजों की कहानी और हम कहां से आते हैं के लेखक कौन है जिन्होंने हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक पुरस्कार जीता? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ भाई राइट आंसर। ओके, राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अकाउंट्स के 24वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने सही हैं, कितने गलत हैं और टोटल कितने मार्क्स आपने गेन किए। माइनस मार्किंग करके आप सभी लोग अपनी रैंक निकालेंगे। ओके,
तो सभी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार बने रहे और आपने लगातार आंसर दिया। और कोड का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इसी से आपको कोर्स को परचेज करना है, जल्दी से जल्दी परचेज कर लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन, और बेल आइकन जरूर दबाएंगे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ओके। वीडियो को जरूर लाइक कर देना बेटा एक बार, साथ ही साथ शेयर कर देना। और रोज रात में 8 बजे से 9 बजे तक और 9:30 से 10:30, ये दो टाइम आपको हमसे जुड़ना है, ओके। 9:30 से 10:30 ये दो टाइम आपको हमसे कनेक्ट होना है। किस पे? एक तो लेट्स क्रैक एसएससी और दूसरा नॉलेज 365। इसी तरीके से लगातार बने रहेंगे हम लोग। जल्दी से अपनी अपनी रैंक बता दो कमेंट सेक्शन में, हम देख रहे हैं कि भाई आपकी कौन कौन सी, कितने लोगों ने कौन कौन सी रैंक गेन की है। जल्दी से सभी लोग।